तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। विपक्षी दलों के साथ ही सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज शाम राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की एक अहम बैठक होगी जिसमें 38 दल शामिल होंगे और बैठक में आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने पर भी मंथन किया जाएगा। इस बैठक में एनडीए में शामिल हुए कई नए सहयोगी दल मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, एनसीपी का अजीत पवार गुट, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल सहित कई अन्य बड़े दल मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए को एक आदर्श गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एनडीए के पहुंच और दायरा जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में एनडीए सरकार ने सुशासन से काम किया है और इसे जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ। नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि 10 साल में यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए टोली बनाई गई है।